हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब, मेरा नाम है रमजान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रनाल अनवर के ब्लॉग्स। अब मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का सीन ऐसा है कि कल लाइट आया था, 3 दिन बाद कल लाइट दिया था 1 बजे रात को, जिसकी वजह से आज सुबह अभी फ़िलहाल बज रहा है 9। तो अभी मैं सो के काफ़ी ज़्यादा लेट उठा हूँ, 9 बज गया, क्योंकि ये जो आंधी तूफान आया था उसकी वजह से पूरा पेड़ पौधा गिर गया था और वायर पूरा टूट चुका था मार्केट। तो 3 दिन से पूरा लाइट एकदम कटा हुआ था, पूरा रेनकोट का मार्केट का ही कॉलोनी में, तो खैर 24 घंटा लाइट रहता तो उसमें कोई दिक्कत इशू नहीं था। तो जो मार्केट से लेकर के रेनकोट तुर्रा से लेकर के पूरा मुर्दा मुर्दा पूरा लाइट एकदम कट था पूरा क्या। तो रेनकोट का जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है लाइट के मामले में, UP शहर की बात बता रहा हूँ। तो मोबाइल वगैरह भी पूरा एकदम डेड हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से चार्ज कहीं पर चार्ज करने का सुविधा नहीं था यहाँ पर। तो लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 3 दिन से लाइट था ही नहीं, इसलिए मोबाइल चार्ज भी नहीं कर पा रहा था, वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था इसीलिए, और ना ही वीडियो शूट कर पा रहा था ना ही अपलोड कर पा रहे थे। वीडियो तो शूट करके रखा गया था लेकिन उसको एडिटिंग भी मैं कर लिया था, लेकिन वो क्या हुआ कि लाइट मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने धोने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को कुछ काम भी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय। और जो आज का जो मौसम दिख रहा है आप लोगों को, वो ऐसा मौसम है आज कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि मैं लद्दाख में आ गया हूँ, वैसे आज का मौसम है। अभी का सीन ऐसा है कि लाइट एकदम दोपहर से ही, सुबह से ही, मतलब 10 बजे से ही लाइट अप डाउन कर रहा था। लाइट हमेशा साला यहाँ पर सही से रहता नहीं है, लाइट इस जगह रेनकोट में ढंग से देता नहीं है। जब से मेरे को आए हुए कंपनी से आए हुए कम से कम यहाँ पे मेरे को 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीना में देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कि कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, ना ही कुछ सुनने वाला है कि लाइट को कुछ सोल्यूशन निकाल सके। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:05 और आज में पूरा लाइट एकदम था ही नहीं, तो मैं आज सही से सो भी नहीं पाया। तो आज गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा था, 40 डिग्री सेल्सियस था, तो इसकी वजह से मेरे को सोने में भी दिक्कत हो गया, तो मैं सही से सो नहीं पाया, इसलिए दोपहर में वीडियो भी नहीं शूट किया, मेरा मूड ऑफ था क्योंकि। तो अभी नहा धो के मैं कम्प्लीट पूरा रेडी हो चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो पीछे में जो आप लोगों को दिख रहा होगा रेलवे लाइन के जस्ट बगल में, तो पेड़ पूरा गिरा हुआ है अभी फ़िलहाल, जो कि अभी आप लोग जहाँ के अभी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने घर के छत से, जो कि काफ़ी डाउन पे है, झोपड़पट्टी देख सकते आप लोगों पीछे दिख रहा होगा, पर यहाँ पे झोपड़पट्टी ही है, आलिशान घर किसी के भी नहीं है। और पीछे साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, इसी तरह का पेड़ है कि ये भी है जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पेड़ गिरा हुआ है, ये रेलवे की तरफ से काट करके नीचे गिरा दिया है, ताकि जो रेलवे लाइन का जो पटरी का जो वायर है वो आंधी तूफान से उसको नुकसान ना हो, इसकी वजह से इसको इस पेड़ को काट करके यहाँ गिरा दिया गया है। ठीक है, जो प्लान है अभी देखते हैं कहीं जाना है कि नहीं जाना है, अब तो आगे बाद में पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अब जाने वाला हूँ एक टेंपल के पास, जहाँ कि आपको आगे सीन दिख जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं घर से निकलने वाला हूँ, नहा धोकर कम्प्लीट रेडी हो चुका हूँ, तो बस यहाँ से अब निकलने वाला हूँ मैं, तो आपसे मिलते हैं आप बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैं रोटरी क्लब को होते हुए आ चुका हूँ अभी कृष्ण मंदिर टेम्पल के पास, जैसे कि आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, और पीछे साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है वहीं से एंट्री गेट है। अब पहले ये सब पेड़, ये सब जो गमला दिख रहा है आप लोगों को, पहले ये सब चीज़ नहीं था, अभी 1 साल के अंदर में ही सब गमला यहाँ पर रखा गया है। 1 साल पहले में जब यहाँ पर था तो यहाँ पर पहले नहीं सब नहीं था। अब ये रहा यहाँ का एंट्री गेट, जहाँ की एंट्री होते लोग जैसे एंट्री होके अंदर जाते हो, अंदर वीडियो शूट करने के लिए मना हो गया है, अब फिलहाल यहाँ पे मंदिर में वीडियो अंदर शूट नहीं कर सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगा इस वाले मंदिर में, जो कि यहाँ पे शूट वीडियो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत है परेशानी, यहाँ पे कोई अंदर जाने में कोई दिक्कत इशू नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर, आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये जो गांधी जी की मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे
तो आपको ये शेर इधर गाय आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अंदर गेट का एंट्री हो गया है, पहले सब गेट नहीं था, अभी गेट में फिलहाल में एक साल के अंदर इसको लगाया गया है। आपको ये अंदर का नज़ारा है, तो ये अंदर का नज़ारा है जो कि आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो द्रौपदी जी जो देख रही हैं, तो द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो नज़ारा है, जैसे उसके सामने जो आप लोग को द्रौपदी जी का जो सीन दिखाया था मैं, तो उसी के जस्ट सामने ये आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और उसके जस्ट बगल साइड में आप जब यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको ये छत्रपति शिवाजी का मूर्ति देखने को मिल जाएगा। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, ये रामायण का है सीन है। और ये कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के चाहने वाली। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं बाहर, अब जा रहे हैं जहाँ पर हम जूता उतारे थे वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप लोग अभी यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं फिलहाल भी पूरा का पूरा। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने घर पे ट्राइपॉड रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्राइपॉड लेके मैं हर जगह रात में दोस्तों के साथ घूम नहीं सकता हूँ। तो आज का ब्लॉग से इतना ही शॉर्ट में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा चैनल स्टार्टिंग है तो आप लोग उतना प्यार भी नहीं दे रहे मेरे को। अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा मेरे साथ, तो आगे भी आप लोग जहाँ जहाँ कहेंगे, जिस भी प्लेस में कहेंगे, उस जगह का सीन मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दिल से सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।